शपथ ग्रहण समारोह से कुछ ही देर में होने वाला है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे। थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। देखिए बड़ी जानकारी महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। इस वक्त थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे, जबकि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। और थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए तैयारियां जो है वो चल रही हैं और कुछ ही देर में महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे। थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। शपथ ग्रहण समारोह, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे। थोड़ी देर में शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह अब से कुछ ही देर में राजभवन में आयोजित होगा और वहीं पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे। वहीं पर डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। कई दिनों की उठापटक के बाद अब देखिए, ये देखिए तैयारी, तस्वीरें सामने आ रही हैं। तैयारियां जो है वो पूरी लगभग हो चुकी हैं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एकनाथ शिंदे से कुछ ही देर में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी वहां पर पहुंच चुके हैं। शिंदे की कुछ ही देर में ताजपोशी होने वाली है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं एकनाथ शिंदे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्यपाल भी देखिए वहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित मुख्यमंत्री महोदय व पदनिर्देशित उप मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित आहेत, त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। सर्वप्रथम माननीय पदनिर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ
संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। आता माननीय पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। कृपया शांत हो जाइए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून
मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. माननीय राज्यपाल महोदय, शपथविधि पूर्ण झालेला आहे.